राम राम जी सभी को। वेलकम टू माय व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं जी? अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं जी। आज बना रहे हैं आंवला की कैंडी। बहुत दिन हो गए थे यार इनको कहते हुए कि आंवला की कैंडी बना दो, कैंडी बना दो, इसलिए आज आंवला की कैंडी बना रहे हैं। हमारे घर पे ही लगे हुए हैं आंवला, तो उनकी कैंडी बनाएंगे। लगभग 1 किलो के लगभग आंवले लिए हैं। उन आंवलों में थोड़ा सा कुकर में इतना ही पानी डाला जितने आंवले डूब जाते हैं। हमारा कुकर है थोड़ा सा बड़ा कुकर होता है ना, तो उसमें एक सीटी मरवाने पर ही कैंडी बन जाएंगी। इसलिए हम एक सीटी ही मरवाएंगे, एक सीटी में हमारी कैंडी बन के हो जाए। अब हमने कुकर रख दिया है गैस पे और गैस ऑन कर दी है। हमारा कुकर थोड़ा बड़ा है इसलिए एक सीटी में ही सारे तैयार हो जाएंगे। ये देखो, एक तरफ हमारा कुकर में आंवले बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन और जीरा है वो भून के डालेंगे। इसलिए उनको दूसरे गैस में हम तैयार कर रहे हैं, उसको भून लेते हैं और भून के उसके बाद में इनको मिक्सी के जार में इसके उसके बाद में डाल देंगे। देखो, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पीस के डालेंगे। हेलो जी, हमने हमारे कुकर ने सीटी लगा दी है, बड़ा कुकर है इसलिए एक दो सीटी मरवा लेते हैं, दो सीटी मराने में। और ये साथ साथ मैंने अजवाइन और थोड़ा सा जीरा है वो भी मिक्सी में पीस लिया है। थोड़ी सी ये देखो काली मिर्ची पीस के रखी हुई है। अब हमारे कुकर ने दूसरी सीटी भी मार दी, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर इसको ना अपन इस पे ही रहने देंगे, कुकर में ही रहने देंगे और इसकी सीटी है ना अपने आप निकलने देंगे। ये सीटी निकल जाएगी ना उसके बाद में इनको बाहर निकालेंगे ठंडा करने के लिए। और ठंडा होने के बाद में इनकी सारी जो कलियां हैं, कलियां अलग अलग करके फिर इनके अंदर एक गुठली होती है, इनका बीज होता है ना, वो निकालते हैं हम ठंडा होने के बाद में। जी, हमने साथ साथ में अपना डिब्बा है कांच वाला डिब्बा, इसको साफ कर दिया, इसमें डालेंगे अपन कैंडी। तो इतनी देर में इसकी सीटी निकल जाती है कुकर की। तो कांच वाले बर्तन में डालने से थोड़े दिनों तक खराब नहीं हुई, थोड़े दिनों के काफ़ी दिन तक रख सकते हैं अपन, इसमें खराब नहीं होती। ऐसे भी हम अचार वगैरह डालते हैं, कुछ भी मिर्ची विर्ची कुछ भी डालो इसमें डाल देते हैं ना कांच वाले बर्तन में, तो इतनी जल्दी से खराब नहीं होती है कांच वाले बर्तन में। और प्लास्टिक वाले में डाल देते हैं ना तो जल्दी से खराब हो जाती है। अब कुकर की सीटी नहीं निकली इतनी देर में, मैं थोड़ी सी इसमें शुगर पड़ेगी, शुगर अपनी चीनी होती है ना वो, उसको भी थोड़ा सा मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ ताकि साथ साथ में दोनों काम हो जाएं। कहते हैं ना हाउस वाइफ की तो लाइफ ऐसी होती है, एक साथ पता नहीं कितने कितने काम पड़ने पड़ते हैं, इसलिए अपने मिक्सी के जार में थोड़ी सी ये शुगर है। ये शुगर हाथों में ले लेते हैं ना तो ये चिपकते भी नहीं है और ऊपर से इतनी ज़्यादा अपनी तो आपस में ना उसमें डाल देते हैं ना तो आपस में चिपक जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए इनको थोड़ी सी इसमें शुगर डाल देंगे। तो जी, हमारी साथ साथ में अपने शुगर भी तैयार कर लेते हैं। ये देखो अपनी शुगर तो हो गई है तैयार, शुगर का एकदम से पाउडर, ये पाउडर डाल लेंगे ना तो हाथों से उनकी गोलियां बनाएंगे ना तो चिपकेगा नहीं, नहीं तो ये चिपक जाती हैं हाथों के भी और आपस में भी। अपन इसमें डालेंगे ना बर्तन में डिब्बे में थोड़े दिन के लिए स्टोर करके रख लेते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है और वैसे विटामिन भी बहुत ज़्यादा, विटामिन सी तो भरपूर होता है भाई। और बालों के लिए, बाल बहुत झड़ते हैं, वाइट भी बहुत होते हैं आजकल क्योंकि खाना पीना ऐसा ही चल रहा है ना, तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो वैसे भी खाते हैं, हमारे आंवलों के पेड़ हैं पेड़ों के, कभी सब्जी भी बना लेते हैं, कभी चटनी वगैरह भी बना लेते हैं। और इनका पानी होता है जो आंवले वाले साफ पानी डाला है तो साफ पानी को फेंकते नहीं हैं, उनसे बात होती है ना तो उसमें डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, एकदम से अच्छे रहते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए भी अच्छे फायदेमंद है भाई आंवले। वैसे कच्चे खाएं तो और भी बहुत फायदा, लेकिन कच्चे खाए नहीं जाते हैं, इसलिए जी बातों ही बातों में अपना कुकर की सीटी निकल गई है, थोड़ी सी बची है वो निकाल देती है और फिर इनकी अलग अलग। और साथ में ये कढ़ाई रख देते हैं, एकदम से सूख गई है इसको क्योंकि इसमें है ना
पानी बिल्कुल भीम नहीं होना चाहिए। पानी होता है ना तो पानी से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं ना अपन उसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी होते ही ख़राब हो जाएंगे, इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने उस कढ़ाई को सुखा लिया है एकदम से, और जो कांच वाला डिब्बा है ना उसको भी एकदम से साफ करके और सुखा लिया है। ये देखो जी कुकर की सीटी निकल गई है, तो सारे आंवले हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से, थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं, फिर इनके अलग अलग से कलियां करके और सारा इनके अंदर से गुठली निकाल देते हैं। गुठली निकालने के बाद में इनको मिक्सी में फिर से इनको इनका पेस्ट बनाना पड़ता है इनका आंवले का। ऐसे भी बना सकते हैं अपन बॉईल करके और इनको सुखा करके भी बना लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बच्चों से खाई नहीं जाती हैं और थोड़ा सा मौसम ख़राब रहता है ना तो उसमें ख़राब भी हो जाती हैं, इसलिए वो नहीं बनाएंगे। अब की बार पहली बार ही बना रही हूँ मैं ऐसे, तो नहीं तो वैसे ही बनाते हैं, इस बार देखते हैं कैसी बनती हैं, खा के बताऊँगी आप लोगों को। अभी ठंडे होने के बाद में इनकी कलियाँ हैं ना वो तो अलग अलग कर देते हैं, और ये देखो इनके अंदर गुठली होती है, ये गुठली अलग कर देंगे, ये गुठली अलग करके फिर इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखो जी सारी कलियां हो गई हैं तैयार, मिक्सी के जार में डाल करके इनको, ये देखो सारी एक बार में नहीं आएंगी, इनको दो बार मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। बाद में मिक्सी में पीसते हैं ना तो पानी नहीं डालती हूँ भाई बिल्कुल भी, पानी डालने से पानी तो बिल्कुल पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, पानी डालने से तो सारी ख़राब ही हो जाती हैं। उसे थोड़ी सी मिक्सी को ना अपन रोक रोक के चलाएंगे, रोक रोक के चलाते हैं ना धीरे धीरे तो थोड़ी अच्छे से हो जाते हैं, पानी के बिना भी तैयार हो जाते हैं हमारा पेस्ट। ये लो जी थोड़ी थोड़ी देर रोक रोक आलू को मैंने सारे पंखों को अलग अलग करके कलियों को फिर उनको मिक्सी में पीस लिया था। पीसने के बाद में अपन इनको थोड़े से अपनी कढ़ाई में थोड़ी सी आंच कम है, ये तो मैंने रखी है ना पहले पहले स्टार्टिंग में इसलिए कर दी, थोड़ी सी धीमी धीमी आंच में इसको सिकने देते हैं, थोड़ी सिकने ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी ना उसके बाद में इसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, पहले सर्दियों में गुड़ है ना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तैयार हो जाएगा ना, ये देखो अभी तो है ना येलो येलो सा दिख रहा है ना आपको हल्का हल्का, उसके बाद में एकदम से ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, तो उसके बाद में गुड़ डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा ताकि ये इसका खटास है ना वो भी कम हो जाएगा, और थोड़ा सा इसके अंदर सर्दियों के लिए वैसे गुड़ अच्छा भी होता है सेहत के लिए। देखो हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा होने लग गया है, और ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना तब ये कढ़ाई की चिपकता नहीं है, बस मुझे यही खासियत रखती हूँ जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, से हलवा बनने के बाद में अपने आप ही ये छोड़ने लगता है, ऐसे ये तैयार हो जाता है ना पक जाता है उसके बाद में कढ़ाई की चिपकता नहीं है। अभी थोड़ा सा पकने के बाद में इसमें एक चम्मच तो डाल दी है मैंने इसकी अजवाइन, अजवाइन कहते हैं ना गैस गैस के लिए अच्छी होती है, तो एक चम्मच डाल दी है मैंने इसकी, और एक चम्मच डालूंगी इसकी, ये काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं अपने जीरा होता है ना उसका पाउडर, सारों को भून के डालते हैं, और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें अपना सिंधा नमक, सिंधा नमक थोड़ा सा अपना सिंधा नमक तो अपन फास्ट वास्ट के लिए डालते हैं, अगर सिंधा नमक नहीं डालना फास्ट के लिए नहीं करते ना तो अपन वही नमक डाल देते हैं, ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा काला नमक, और काला नमक डाल दिया है, सारी चीज़ें डाल दी हुई, अब थोड़ा सा इसमें भूनने के बाद में डाल देंगे एकदम से तैयार हो जाएगी। ये देखो अब थोड़ा सा डाल देते गुड़, इसमें गुड़ डालूंगी, गुड़ है ना उससे थोड़ा सा खट्टापन भी चला जाएगा, और अभी थोड़ी देर और पकाऊँ इसको, पानी नहीं रहना चाहिए गुड़ पकाने में अच्छे से खिल जाएगा ना, उसके बाद में गैस को बंद कर दूँगी, और गैस को बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ मेरी टेंडी बना के दिखाती हूँ आपको। देखो
अब देखो भुनने के बाद में इसका थोड़ा थोड़ा कलर ब्राउन ब्राउन हो गया ना, तो इसमें बाद में थोड़ा एक नींबू नींबू का रस है ना वो अच्छा रहता है, तो नींबू नहीं चाहूँगी एक, बस ये हो जाएगा अपना पेस्ट तो हो गया है अभी तैयार। अब इसकी कैंडी बनानी बाकी है, ठंडा थोड़ी देर के लिए इसका ठंडा करके फिर इसकी कैंडी बनाती हूँ। ये लो जी हमारा पेस्ट है ना वो तो बन के हो गया है, देखो रेडी। अब इसको तो रख दिया है ठंडा होने के लिए, ये ठंडा होता है ना इतनी देर में, भाई चाय का हो गया है टाइम इसलिए मैंने चढ़ा दी है चाय, अब पियेंगे चाय, ये ठंडा होता है इतनी देर में। आर्यन भी स्कूल से आ गया है, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करना, और कुछ कमियाँ हो जरूर बताना भैया आप कैसे बनाते हो कैंडियाँ। कहते हैं ना जाटों को कुछ बनाना नहीं आता, सच्ची में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना आता है, टेस्ट करके बताती हूँ हमारी कैंडी बनी कैसी है। मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाई है ऐसी कैंडी, पहले नहीं बनाई थी इसलिए आपको टेस्ट करके बताती हूँ, और साथ साथ में चाय बन रही चाय भी पी लेते हैं। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, दोपहर का टाइम होता है ना उसमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें आज बना ली है कैंडी और टाइम कर दिया है पूरा। दिखाते हैं आपको हमारी कैंडी, ये देखो जी इधर हमने शुगर पाउडर लिया है ना, इस शुगर पाउडर को हाथों में लगा के और बाद में ये पेस्ट है अपना इसको बना रहे हैं। देखो इतनी सारी कैंडी तो मैंने बना ली है और बनानी है अभी बाकी, आप लोगों को भी खानी है तो बता दो भाई। ये देखो हमारी आधी कैंडी तो बन के हो गई है रेडी, आ देखो गोल गोल, अभी सूखने के बाद और भी अच्छी हो जाती है, इसमें ये शुगर वाला पाउडर डाल देंगे ना तो ये आपस में चिपकती नहीं है, और फिर इसमें डाल देंगे अपने इस डिब्बे में, इस डिब्बे को मैंने साफ करके रखा है, इस कांच वाले डिब्बे में डालते हैं ना खराब नहीं होती है। और आज बाल मेरे ऐसे बिखरे हुए हैं क्योंकि मैंने बाल धोए थे इसलिए ज़्यादा सूखते नहीं हैं, सर्दियों में लेट था इसलिए सूखे नहीं थे ना, इसलिए बाल अभी ऐसे कैसे ही पड़े हैं जी। और हमारा कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और आपको अच्छी बनानी आती हो वो भी भाई कमेंट्स में बताना ताकि अगली बार बनाए और भी अच्छी बना सके। आज के लिए आपने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना, आप साथ दोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाय बाय।